नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी जो व्यक्ति अकाउंट्स के फील्ड में आके जॉब करना चाहता है, अपना फ्यूचर सेफ करना चाहता है, तो उसके माइंड में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है भी मुझे शुरुआत में क्या सीखना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, यानी कि मुझे अकाउंट्स के लिए टेली सॉफ्टवेयर पहले सीखना चाहिए या अकाउंटिंग का कोई कोर्स पहले सीखना चाहिए, अकाउंटिंग में और टेली सीखने में दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल टेली सॉफ्टवेयर सीखने को ही अकाउंट्स का कोर्स समझ बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी ऐसा किसी टाइप का कोई क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे अकाउंट्स की जॉब करनी है, अकाउंटेंट मुझे बनना है, लेकिन उसके लिए मुझे शुरुआत किस तरीके से करनी है, तो अगर आज की इस वीडियो का पूरा एंड तक देख लेते हो तो काफ़ी सारी मैं उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बातों से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए भी टेली प्राइम कोर्स और केवल अकाउंटिंग कोर्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपको पहले कौन सा सीखना पड़ेगा अगर आप अकाउंट्स के फील्ड में जॉब करना चाहते हो, यानी कि पूरा एज ए परफेक्ट आप बनना चाहते हो, आप अकाउंट्स का भी काम पूरा कंप्लीट कर लो, टैक्सेशन का भी काम आप पूरा कंप्लीट कर लो, जैसे कि GST की अकाउंटिंग को मेंटेन करना, प्रॉपर उसकी GST रिटर्न को फाइल करना, TDS, TCS, इनकम टैक्स, यानी कि सब कुछ आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाओ। तो दोस्तों, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं भी टेली प्राइम वगैरह की बुक्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं भी हमने किसी इंस्टीट्यूट पर एडमिशन लिया है और वहाँ पर हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की बुक्स मिल गई है और हमने टेली का कंप्लीट कोर्स कर दिया है। तो दोस्तों, ये मैं ये नहीं कहता भी आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को मत सीखो, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आपको सीखना ही पड़ेगा, बट अगर आपने सीखा उसको किस तरीके से है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं भी हमने टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर कोर्स कर लिया, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, हमने 6 महीने का कोर्स भी कर लिया, क्या हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें जॉब मिल जाएगी, तो इस टाइप के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं। लेकिन वो जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी कर देते हैं तो वहाँ पर जो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो उन्होंने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखते वक्त कभी सुने ही नहीं, देखे ही नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है भी जब भी आपके माइंड में ये बात चल रही है भी मुझे अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स करना है, मुझे इसी फील्ड के अंदर जॉब भी करनी है, तो दोस्तों अगर आप टेली सॉफ्टवेयर सीख लिया, मान लीजिए आपने बिना किसी प्रैक्टिस के, यानी कि एज ए बुक्स नॉलेज के आधार पर आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कंप्लीट आपने कोर्स कर लिया, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 4 मंथ का है, चाहे वो 6 मंथ का है, लेकिन उसके बाद में आपको किसी भी कंपनी में जॉब करने से पहले आपको जो बिजनेस के रियल वाउचर्स होते हैं उससे एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपने डायरेक्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखते ही किसी कंपनी में रिज्यूम अप्लाई कर दिया जॉब के लिए तो वहाँ पर आप 100% ही रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको केवल टेली सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। अब टेली सॉफ्टवेयर का नॉलेज का मतलब भी आपको इतना सब कुछ पता है भी कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, यानी कि सब कुछ आपने ये लिख लिया, मान ली बुक्स को ले के, नोट्स को देख के ये सब कुछ आपने क्रिएट कर लिया। उसके बाद में आप इस फीचर, ये जो फंक्शन हमारे सामने खुलते हैं इस फीचर्स के बारे में भी आपने बुक्स में से देख के इसको यूज़ करके देख लिया। लेकिन दोस्तों होता क्या है भी सारे फीचर्स सभी कंपनी में यूज़ नहीं होते, एक बात हमें ये बात में ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आपने जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखते वक्त आपने बुक्स में से जो बातें आपने पढ़ी हैं उसमें से 80% ऐसी कुछ बातें होती है जो रियल प्रैक्टिकल जब बिजनेस की अकाउंटिंग हम मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर वो बातें लागू होती नहीं है, या अगर लागू होती भी है तो उसका पैटर्न बुक्स का और एक्चुअल का दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होता है। अब डिफरेंस का मतलब क्या आ गया, मान लीजिए आपने कोई भी वाउचर की एंट्री करी, अब आपको ये सब कुछ पता है यहाँ से भी आप F9 के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, सेल वाउचर में हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं, ये हर फीचर्स के आपके बारे में सब कुछ आपको पता है। हो सकता है उसके अलावा कुछ और भी एडवांस आपने बुक्स में से देख के पढ़ लिया हो, उसको समझ लिया हो, उसको यूज़ करके भी देख लिया हो,
लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना भी इस ऑप्शन का यूज का मतलब क्या है। जैसा कि हम सेल वाउचर कर लिया, आपको पता है अभी अगर सेल वाउचर से संबंधित अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो हम F12 करके यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं भी कौन से ऑप्शन को हमें इनेबल करना है, कौन से को डिसेबल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए भी अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर लिया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपकी अकाउंटिंग पे क्या पड़ेगा, प्लस आपकी जो रिपोर्ट्स आने वाली है उस रिपोर्ट्स के ऊपर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि ऑप्शन काफ़ी सारे यहाँ पर दिए होते हैं। मान लीजिए जैसा कि ये एक ऑप्शन आपके पास है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे कि ये ऑप्शन आ गया वी सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। अब मान लीजिए ये ऑप्शन यस है, तो अब मान लीजिए आपने बुक्स में से देख के इसको यस कर लिया, तो अब यस करने से क्या फर्क पड़ गया और अभी ये जो नो है तो नो रहने से आपके बुक्स पे क्या पड़ रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आपने टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या सीखने के बाद आपने किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर आपके मान लीजिए इस टाइप का अगर कोई इनवॉइस आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए भी ये जो इनवॉइस हमारे सामने है यानी कि ये जो वाउचर हमारे सामने है इस वाउचर को देख के यानी कि इस वाउचर की एंट्री को हम टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात रही अभी अकाउंटिंग, क्योंकि काफ़ी सारे जो फ्रेशर होते हैं जो पहली बार इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं भी हम अकाउंट्स की जॉब करना चाहते हैं, हम अकाउंट्स के आगे हमारा जो कैरियर है वो बनाना चाहते हैं, तो हम टैली सॉफ्टवेयर को ही सीख लेते हैं। तो अब बहुत सारे लोग समझते हैं भी टैली प्राइम को ही अकाउंटिंग समझ लेते हैं, भी अकाउंटिंग हमने कर लिया टैली सॉफ्टवेयर सीख लिया तो इसका मतलब अकाउंट्स का कोर्स हमने कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखना एक अलग मैटर है और अकाउंट्स सीखना एक बहुत ही अलग मैटर है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस होने का मतलब क्या हो गया भी, अकाउंट्स का मतलब हो गया भी आपको प्रॉपर अकाउंट्स का नॉलेज है। अकाउंट्स का नॉलेज मतलब आपको कोई भी ये वाउचर आ जाए तो इस वाउचर को देख के आप इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हो, ये वाउचर आ जाए इस वाउचर को देख के आप इजीली जर्नल एंट्री बना सकते हो। तो अब जर्नल एंट्री आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भी अगर इस वाउचर की एंट्री हम हमारे टैली सॉफ्टवेयर में पास करेंगे तो कौन से वाउचर में पास होगी और वाउचर में पास होने के बाद में हमारी रिपोर्ट्स पर कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि कितने लेजर आप इस वाउचर को देख के बनाओगे सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर में, उसका ग्रुप का सिलेक्शन आप क्या रखोगे, देन उसके बाद में इसकी एंट्री को आप किस तरीके से करोगे और एंट्री करने के बाद में आपको पता होना चाहिए ये जो लेज़र हमने बनाए हैं इस लेज़र का इफेक्ट हमारी इस रिपोर्ट पर या पड़ने वाला है, क्या हमारी सेल बढ़ेगी या हमारी परचेज बढ़ेगी, कोई स्टॉक घटेगा या स्टॉक हमारा बढ़ेगा, हमारी कोई देनदारी बढ़ेगी या लेनदारी घटेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, केस बढ़ेगा केस घटेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये आपको वाउचर की एंट्री को करने से पहले ही आपके माइंड में ये सारी बातें होनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग का कोर्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने अकाउंटिंग आपको अच्छी तरीके से आती है, आप हर वाउचर की एंट्री कर लेते हो, तो मान लीजिए आज आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीख लिया तो हो सकता है आपको कभी इन फ्यूचर जरूरी नहीं है भी जिस कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है उस कंपनी के अंदर आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ही मिले, हो सकता है आपको वहाँ पर बिजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए। तो आपको पता होना चाहिए भी सॉफ्टवेयर आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज है यानी कि आप हर जर्नल वाउचर की एंट्री को अच्छी तरीके से समझते हो, उसको कर भी लेते हो और उसका इफेक्ट भी जानते हो कि कहाँ इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या लेजर डेबिट होने वाला है, कौन सा लेजर क्रेडिट होने वाला है, तो उस वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर आपके सामने कोई भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का लेआउट चेंज हो सकता है, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स है जितना हमारे को काम सॉफ्टवेयर में करना होता है वो सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिल्कुल सेम होता है। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का ये मत रखिए कि मैंने टैली सॉफ्टवेयर सीखा तो ये टैली ही मेरे लाइफ के अंदर काम आएगा, टैली सॉफ्टवेयर सीखा आपके काम आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपने अगर अकाउंट्स का नॉलेज प्रॉपर सही तरीके से लिया हुआ है, प्रैक्टिकल तरीके से आपने लिया हुआ है, बिजनेस के रियल वाउचर से आपने इन चीज़ों सभी चीज़ों को सीखा हुआ है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपने केवल टैली सॉफ्टवेयर सीखा है और आपने किसी बिजनेस से इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एज ए टैली ऑपरेटर हो न कि अकाउंटेंट हो। यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप जानते हो, सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी आपने बुक से ले लिया, बट आपको इसके अंदर रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को मेंटेन इसके अंदर किस तरीके से करना होता है वो प्रैक्टिस आपकी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो बुक्स में नॉलेज हमने पढ़ा होता है वो जब हम रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें बातें यूज नहीं होती। क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनके साथ ये बीती हुई है, उन्होंने टैली सॉफ्टवेयर को सीखा है
लेकिन जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से उन्होंने हो सकता है इस टाइप के वाउचर दे के कोई एंट्री पास करवाई हो, लेकिन वो कर ना पाए हो। अब न करने का कारण यही होता है कि उनके मन में यही रहता है भी हमने टैली का कोर्स है जो कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट हमारे पास में है तो अब हमें जॉब तो मिल ही जाएगी। तो टैली सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनोगे, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सीखते वक्त, चाहे तो आप साथ जैसे जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो साथ साथ आपको रियल बिजनेस से ही वाउचर के साथ आपको प्रैक्टिस है जो करनी पड़ेगी। या फिर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में टैली सॉफ्टवेयर सीख लिया, आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी भी आप रियल बिजनेस से कोई प्रैक्टिस कर सको, तो टैली सॉफ्टवेयर को जस्ट सीखने के बाद में आप किसी भी CA के ऑफिस में या कोई टैक्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंडर में आपको एक बार काम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल टैली सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। अब अकाउंट्स जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है आपके सामने जिसका सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि किताबों से हमें सोल्यूशन नहीं पड़ता। वो प्रॉब्लम आपके सामने कब आ जाए, किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, वो जब आप कंपनी की अकाउंटिंग करोगे तभी आपको पता चलेगी भी रियल प्रॉब्लम क्या होती है। क्योंकि बुक्स में तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपने फंक्शन वहाँ पर बताते गए, वो उसको आप फॉलो करते गए, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने पिक्चर आती गई, वही पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आती गई और उसके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन अब ये नहीं पता भी इसका आपने यूज़ किया तो क्यों किया है। ये यूज आपने मान लीजिए ये कोई चीज़ आपने ऐसी कोई सीख ली, जैसे अपने परचेज ऑर्डर की डिटेल हम अदर वाउचर पे जाते हैं, अब मान लीजिए इसके अंदर कोई एस्टिमेटेड चलान है, आपने एस्टिमेटेड चलान को बनाना सीख लिया, लेकिन अब इसको रियल वाउचर जब हम बिजनेस की जब अकाउंटिंग करेंगे तो हो सकता है वो आपको एस्टिमेट चलान बनाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ये एस्टिमेट चलान बना भी लिया तो एस्टिमेट चलान का मतलब क्या होता है, बनाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ना बनाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से हमारे कहने का मतलब ये हो गया भी अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को अगर रियल बिजनेस की प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप सीखते हो, वाउचर की प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर पहले सीख लिया तो आपको बिजनेस की जो रियल वाउचर्स होते हैं उस वाउचर्स के साथ आपको प्रैक्टिस है जो 100% करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। परेशानी होने की वजह भी यही हो सकती है क्योंकि आपने इन वाउचरों को कभी रियल में देखा ही नहीं है, और देखना तो दूर की बात, अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके ये टैली सीखा हुआ कोई काम भी नहीं आएगा। तो टैली सॉफ्टवेयर सीखने का मतलब ये होता है इसके अंदर हमें अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, तो अकाउंट्स का नॉलेज पहले आपको होना चाहिए न कि टैली सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर आपको कहीं भी मिल सकता है, कौन सा भी मिल सकता है, बिजी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर का कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको अकाउंट्स के फील्ड के अंदर लंबे टाइम के लिए अगर आपको जॉब करनी है तब आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग का जो महत्व है वो पता चलेगा। अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना एक अलग बात है और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना वो अलग मैटर है, आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना कंपलसरी है, टैली उसकी बाद की बातें हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।